Sabe, vai, Marisa. क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे बेटे की शादी हो गई। अयान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ वो मॉम, वो सब अचानक से हो गया। मैं बताने वाला था। अरे अब मुझे बहुत खुशी है इसकी, लेकिन लेकिन मुझे बता तो देना चाहिए था। मम्मी मम्मी इधर आए, मुझे बात करनी है। यहाँ आए। मम्मी ये क्या हो रहा है? क्या साजिश कर रहे हैं आप लोग मेरे खिलाफ? चुप रहो, सब भूल के रख दूंगी कच्चा चिट्ठा अयान के सामने। खामोश रहो बस, समझी? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा हो रहा है? बंद करो इसे, ये शादी नहीं होगी। कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें ये बात कहने का। मम्मी आप बीच में मत बोले, बिल्कुल हक है मुझे। अरे बाप हूँ मैं रश्मिया का, लड़की का बाप हूँ, ये शादी नहीं होगी। मुझे भी हक है अपना निकाह पढ़वाने। कारी साहब प्लीज निकाह पढ़वाए। अरे मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया तूने, साजिश की औरत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अंकल प्लीज प्लीज आप खा लो मुझे। अरे तू खामोश रह, अपने बाप का है ना तो आ, बात कर मुझसे। अयान अयान तुम यही रहो, ये नुकसान पहुंचा देगा तुम्हें। कुछ नहीं करेंगे मॉम। अरे मम्मी मम्मी देखे तो क्या हो रहा है? अली साहब निकाह शुरू कीजिए। अयान नवेद वल्द नवेद, रश्मिया बिन पे हाशिम को बावज हक महर 50,000 रुपये के अवज आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा आपको निकाह कबूल है? कबूल है। चलिए दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा हाशिम, ये क्या किया तुमने? तुमने सब कुछ अयान को बता दिया? तुमने नफरत देखी इसकी आंखों में मेरे लिए? अब क्या होगा? अच्छा, उसकी नफरत नजर आ गई तुम्हें? मुझे नफरत बगावत रश्मिया की आंखों में मेरे लिए वो देखी तुमने? मुझे पता है तुम मुझे अकेला जलील करवा के ना अपने अपने बच्चे की नजरों में हीरो बनना चाहती हो तुम, निकाह करवा के उसका। What? तुम्हें लगता है कि मैं निकाह करवा रही हूँ? मैं निकाह करवा रही? मुझे तो सुबह तक ये बात मालूम तक नहीं थी, और अगर मुझे पता होता या मैं निकाह करवा रही होती तो मैं तुम्हें फोन क्यों करती?
तो फिर अब क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? क्यों रोका है? हाशिम, अब तुम और कितने बड़े विलन बनना चाहोगे? शादी को रोकोगी तो और बदनाम होगी। वैसे भी हमारे दरमियान जो कुछ है वो लोगों के लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन है। बेहतर है कि अब मजीद कॉम्प्लिकेशंस मत पैदा करो। कॉम्प्लिकेशन तो पैदा हो गई है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ। देखो हाशिम, ये सब कुछ अच्छा ही हुआ। तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे खुश रहें, उनके दरमियान सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाए? मैं तो कम अज कम ये नहीं चाहता, मैं हरगिज़ नहीं ये चाहता। अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। तुम ये क्या कह रहे हो हाशिम? देखो मुझे पता है कि अगर तुमने और मैंने शादी कर ली ना तो ये तुम्हारा बदकमाश बच्चा है ना, ये मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा रश्मिया को मेरे खिलाफ। नहीं हाशिम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाशिम, हाशिम, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। छोड़ो मुझे तो। तुमने तो कहा था कि तुमने नौरीन को तलाक दे दिए। इधर देखो मेरी तरफ, तुमने दे दी है ना नौरीन को तलाक? तुमने नौरीन को तलाक नहीं दिए? हाशिम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तुम अभी दोगे नौरीन को तलाक, सुना तुमने? तुमने अभी तलाक देनी है नौरीन को। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।